मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने परासिया पहुंचे जिला कलेक्टर और जिला कप्तान को भू माफियाओं के बढ़ते हौसले के सवाल से भी दो चार होना पड़ा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। परासिया कोयलांचल में निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि हम लोग चुनाव की तैयारियों के लिए निकले हुए हैं। वहीं जब शासकीय जमीन पे प्लॉटिंग कर आम नागरिकों को बेचे जाने का मुद्दा उठा तो कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि शिकायत मिलने पर आरोपियों के खिलाफ उचित धारा पे केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी विनायक वर्मा ने कहा कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभी हमारा फोकस अवैध शराब तस्करी और ड्रग्स स्मगलिंग को रोकने पर है। हमारा मेन फोकस प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों पर है, शराब एक्सेट्रा की स्मगलिंग पर है और ड्रग्स इत्यादि पर है। हमारा पूरा प्रयास ये है अवैध शराब बिक्री कम से कम हो, इसमें प्रेस भी हमें सपोर्ट करे, जहाँ कमी होती है इस बात को हाईलाइट करे और हमारे संज्ञान मिला इससे हम ज़्यादा एक्शन ले सके। कल ऑलरेडी मैं लॉ ऑर्डर और अन्य कमियों के कारण तो एक चौकी पर थाना पर सख्त एक्शन ले चुका हूँ और चुनाव तक हमारा मैसेज बड़ा गंभीर है। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव शिकायतें आपके पास हो तो आप जरूर हमको दीजिए। इसमें जिन लोगों ने ऐसी कार्रवाई की है, न केवल अवैध कॉलोनी का प्रकरण उनके खिलाफ बनाया जाएगा बल्कि धोखाधड़ी के लिए 420-460 के केस भी उनके खिलाफ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।